Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, as you can see over the board, aaj ke is video session mein, we are going to discuss a very important concept of electrochemistry and that concept is Faraday's laws of electrolysis. Yaad rakhiyega students, Michael Faraday was the first person who invented the term electrolysis और माइकल फैराडे ने ही इलेक्ट्रोलिसिस का सारा कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो लॉज हमें फॉर्मुलेट करके दी। बट बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड विद दीज फैराडेज लॉज, इससे पहले कि हम ये समझें कि फैराडे ने वो क्या दो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है आपके लिए कि आप ये समझें कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने का पर्पस क्या होता है और इसके अंदर एक बेसिक पैटर्न क्या फॉलो होता है। So, याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो वी कैन सिंपली से कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस वेयर वी यूज इलेक्ट्रिक करंट टू ड्राइव आउट अ केमिकल रिएक्शन अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस अगर हमें केमिकल रिएक्शन ड्राइव आउट करना है, एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करना है, तो उस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैरी आउट करा जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी जाएगी। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि पहले आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस अकर करता है, और जब आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट इन वेरी डिटेल समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली आपको फिर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ में आएंगी। तो इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं हमने किसी मेटल की दो इलेक्ट्रोड्स ले ली और इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है जिसमें हमने एक बैटरी लगा रखी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, दिस इज एनोड, एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल और द नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज कैथोड। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये पोलैरिटीज अपोजिट होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होती है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर सेल आपको पता है कि हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट यहां पे हम उल्टा कर रहे हैं, यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स इमर्ज करी जाती हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है जिस वायर में एक बैटरी लगा दी जाती है, और अब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही सिंपल सी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सपोज कीजिए हमने इसके अंदर मोल्टन NaCl ले रखा है, तो इमेजिन कीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट अकर विद इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज दैट कि ये जो NaCl आपने ले रखा है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखी होती है, वो इमीडिएटली विद द पैसेज ऑफ करंट डिसोसिएट हो जाती है अपने रेस्पेक्टिव आयंस में। इस केस में अगर हमने मोल्टन NaCl ले रखा है तो दिस NaCl वुड बी स्प्लिटेड अपार्ट इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको मालूम ही होगा कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में स्प्लिट हो जाती है। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि एक बार ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में स्प्लिट हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये स्प्लिटेड आयंस क्या करेंगे, क्या ये स्प्लिटेड आयंस ऐसे ही तैरते रहेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, विल दे कीप ऑन माइग्रेटिंग विद इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दे विल फर्दर डू समथिंग। सो जस्ट रिमेंबर इट स्टूडेंट्स कि जैसे ही NaCl अपने आयंस में स्प्लिट अपार्ट होगा तो स्प्लिट होते ही इसके आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ माइग्रेट करने लग जाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के साथ यही होता है कि जैसे ही हम करंट पास करते हैं सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में स्प्लिट अपार्ट हो जाती है, कैटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है, और जैसे ही वो आयन अलग होते हैं तो वो अलग होते ही अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। याद रखिएगा, कैटायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस केस में, एंड द एनायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड जो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो इस केस में अगर Na पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ है तो Na पॉजिटिव तो जाएगा इस प्लेट की तरफ
और Cl नेगेटिव जाएगा इस प्लेट की तरफ। बट अब एक बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ क्यों जा रहे हैं, व्हाई दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज प्लेट। अब देखिए ऑब्वियसली हम सब लोगों के माइंड में ये आएगा कि ये आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो नेगेटिव प्लेट है ये इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी और जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये तो फैक्ट है स्टूडेंट्स कि ऑब्वियसली अपोजिट प्लेट्स की तरफ आयंस अट्रैक्शन की वजह से जा रहे हैं। बट टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हम एक बहुत ही डीप एनालिसिस करें और फिर सोचें कि आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि आयंस अपोजिट प्लेट की तरफ अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये याद रखिएगा, आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं एंड जनरली आपको एक पैटर्न पढ़ाया जाता है कि चार्ज स्पीशीज आर ऑलवेज अनस्टेबल। आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमेशा अनस्टेबल होती है क्योंकि दैट टेंड्स टू अटैक ओवर द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हमेशा अनस्टेबल होती है, दैट ऑलवेज टेंड्स टू अटैक ओवर द नेगेटिव साइड। बट न्यूट्रल चीजें हमेशा ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो न्यूट्रलिटी इंप्लाइज स्टेबिलिटी। जो चीज न्यूट्रल होगी, जिस पे जितना कम चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहले तो NaCl स्टेबल था बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में बाइंडेड थे, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसे अपने दो आयंस में स्प्लिट अपार्ट कर दिया तो ये दोनों आयंस अनस्टेबल हो गए बिकॉज ऑफ द चार्जेस डेवलप्ड ओवर देम। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये दोनों आयंस अनस्टेबल हो गए तो ये दोनों आयंस अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेंगे, अपने चार्जेस को नलिफाई करना चाहेंगे, और एक्चुअली अपने चार्जेस को नलिफाई करने के लिए ही ये प्लेट की तरफ जा रहे हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि ये Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि Cl नेगेटिव को मालूम है कि जैसे ही वो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट अपने अट्रैक्टिव पुल से, अपने अट्रैक्शन से इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगी, अपने अंदर खींच लेगी। तो ये याद रखिएगा, ये Cl नेगेटिव अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है, अपने उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट को दे देना चाहता है और इसीलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो कोई भी आयन अपोजिट प्लेट की तरफ अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए जा रहा होता है। ये Cl नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट पे इसलिए जा रहा है क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा तो ये पॉजिटिव प्लेट अपने अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस के अंडर इसके इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर लेगी, एंड दैट पुलिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये याद रखिएगा, जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं एनायंस, वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट पे जाते हैं ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव प्लेट को दे दें, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएं और न्यूट्रल बनके स्टेबलाइज्ड हो जाएं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये कह सकते हैं कि एट एनोड ये रिएक्शन होगा कि दो Cl नेगेटिव एनोडिक प्लेट पे जाएंगे और एनोडिक प्लेट पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस बना लेंगे, प्लस दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ इस केस में नहीं, इन एवरी केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी नेगेटिव आयन मिलते हैं वो पॉजिटिव प्लेट यानी कि एनोड पे इसलिए जाते हैं ताकि वहां जाके वो ऑक्सीडेशन अंडरगो कर सकें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगो करके खुद को न्यूट्रलाइज कर सकें और स्टेबल बन सकें। अब देखिए ये जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई, बींग अ गैसियस प्रोडक्ट, ये तो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू माइग्रेट करते हुए इधर पहुंचेंगे। अब हमें देखना है कि इधर क्या हो रहा था। देखिए जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन था वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट पे गया था, और वो नेगेटिव प्लेट पे इसीलिए गया था क्योंकि उसे पता है कि अगर वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा तो नेगेटिव प्लेट पे से उसे कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे अपने पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, जैसे ही यानी पॉजिटिव आयन प्लेट पे पहुंचेंगे और ये देखेंगे कि क्लोराइड के लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो ये Na पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए सॉल्यूशन में से जंप करके प्लेट पे चले जाएंगे। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर Na पॉजिटिव जंप करके प्लेट पे गया और प्लेट पे जाने के बाद इसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करा, Na सॉलिड बन गया, तो जैसे ही Na सॉलिड बनेगा ये इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी हमारा पॉजिटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को रिड्यूस करने के लिए नेगेटिव प्लेट पे जाता है, और जब नेगेटिव प्लेट पे जाके वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो उससे वो सॉलिड बन जाता है और सॉलिड बन के वो प्लेट के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि एट कैथोड ये जो Na पॉजिटिव आयन होंगे ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके Na सॉलिड बनेंगे, और जैसे ही Na सॉलिड बनेगा तो ये इस प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कैथोड पे डिपॉजिशन होती है, अगर कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके सॉलिड बन रहा है तो वो सॉलिड आयन
प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। हाँ, अगर कोई गैसियस बाय प्रोडक्ट बन रहा होता तो जैसे एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज हो गई थी वैसे यहां पे वो भी रिलीज हो जाता, बट अगर कोई सॉलिड बनेगा तो डेफिनेटली वो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज फैक्ट कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से पॉजिटिव आयन मिला होगा वो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाता है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके कैथोड के ऊपर ही डिपॉजिट होता रहता है, कैथोड के ऊपर ही एक्यूमुलेट होता रहता है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो जैसे इस केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सोडियम इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे ही किसी केस में हो सकता है कॉपर इस पर डिपॉजिट हो रहा हो या जिंक डिपॉजिट हो रहा हो या सिल्वर डिपॉजिट हो रहा हो। तो ये जो कैथोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट होता है ना, कैथोड के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसके डिपॉजिशन से रिलेटेड ही फैराडे ने हमें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दी। अब अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम एक एक करके फैराडे की दो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कर दूं, इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ली जाती है या तो मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में, और उस इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में स्प्लिट अपार्ट हो जाती है। जैसे ही उसके आयंस स्प्लिट होते हैं तो वो आयंस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट प्लेट की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, और वहां जाके वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अंडरगो करते हैं। जो एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, वो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव प्लेट को दे देगा। दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। उस एनायन के लूज करे गए इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे पहुंचेंगे तो कैटायन उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए प्लेट के ऊपर जाएगा और कैप्चर करके सॉलिडिफाइड होगा और प्लेट के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा। सो इट इज द फैक्ट कि कैथोड पे जब भी कोई सॉलिड चीज प्रोड्यूस होगी तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके कैथोडिक प्लेट पे ही डिपॉजिट हो जाएगी। और इस डिपॉजिशन से रिलेटेड आप देखते हैं कि फैराडे ने हमें फर्स्ट लॉ क्या बताई। सो लेट अस डिस्कस द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो फैराडेज फर्स्ट लॉ, सो स्टूडेंट्स याद रखिए, फैराडे की फर्स्ट लॉ सिंपली ये कहती है कि किसी भी एलिमेंट का कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे रिड्यूस होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना चार्ज इस सर्किट में से पास करा है। द चार्ज इन कूलम्स, कितना कूलम्स ऑफ चार्ज आपने इस सर्किट में से पास करा है। जितना ज्यादा कूलम्स ऑफ चार्ज आप इस सर्किट से पास करते जाएंगे उतना ज्यादा मास ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। टू बी मोर प्रिसाइज, फैराडे फर्स्ट लॉ सिंपली स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वेयर एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड क्यू इज द चार्ज पास्ड इन कूलम। बट स्टूडेंट्स, नाउ वी ऑल्सो नो कि क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू टाइम। तो अगर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है और क्यू आई टी के बराबर होता है तो क्या हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। तो मास, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना करंट कितनी ज्यादा देर के लिए पास करा है। जितना ज्यादा से ज्यादा करंट इन एम्पियर्स आप जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए पास करेंगे उतना ज्यादा मास ऑफ सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। अब स्टूडेंट्स फर्दर देखिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हुआ है एंड यू नो कि किसी भी फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ए कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में वो कॉन्स्टेंट हम प्लेस करते हैं एम इज इक्वल टू जेड आई टी, वेयर द जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो समझिए। याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 कूलम्स। सो किसी भी एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास को अगर हम 96500 कूलम से डिवाइड करते हैं तो ये जो रेशियो आता है दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब फर्दर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इक्विवेलेंट मास क्या चीज होती है और ये कैसे निकाला जाता है, और दूसरा ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ 96500 कूलम ये क्या चीज है, ये कहां से आया।
तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास के बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। याद रखिए कि इक्विवेलेंट मास इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास इज टू वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दिया जाए तो वो इक्विवेलेंट मास बन जाता है। इक्विवेलेंट मास इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास, या आप कह सकते हैं मोलर मास, डिवाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम, और एल्युमिनियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, वो 3 की वैलेंसी एग्जिबिट करता है। तो वी कैन से कि एल्युमिनियम का जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम दैट वुड बी 27 / 3, 27 / 3 जो आएगा 9। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, उसके मोलर मास को अगर उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका इक्विवेलेंट मास बन जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम कंसीडर करिए स्टूडेंट्स, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, और सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो 23 / 1 = 23, तो सोडियम का इक्विवेलेंट मास भी सेम ही होगा। जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है उनका एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास बराबर होता है। सो आई होप द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास इज क्लियर टू यू। अब आते हैं इस 96500 कूलम्स पे। ये 96500 कूलम क्या चीज होती है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स होता है। यू नो कि ये चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन ने एस्टैब्लिश करा था। वी ऑलरेडी नो, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। सो जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। अगर हम एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कलेक्टिव चार्ज निकालना चाहते हैं तो हम इसी चार्ज को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज ओवर 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स इंटू 6.022 × 10⁻²³। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 96500 कूलम्स। याद रखिए ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअली में ये वैल्यू 96400 समथिंग आती है, बट हमने उसे राउंड ऑफ करके 96500 कूलम्स ले रखा है। एंड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आई, द कलेक्टिव चार्ज ओवर 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज फैराडेज कॉन्स्टेंट। तो 96500 कूलम इज ए फैराडे कॉन्स्टेंट बोलते हैं, और फैराडे कॉन्स्टेंट का मतलब होता है द कलेक्टिव चार्ज ओवर 1 mole ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको जेड का मीनिंग समझ में आया होगा। जेड का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जेड इंप्लाई करता है किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। इक्विवेलेंट मास को हम फर्दर लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 96500 कूलम्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। सो स्टूडेंट्स याद रखे, इस फॉर्मूले में m इज इक्वल टू ZIT में m रिप्रेजेंट कर रहा है द मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड, z रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मीनिंग भी आप समझ गए, i रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, द करंट पास्ड इन एम्पियर। इस फॉर्मूले पे जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो करंट को एम्पियर्स में ही रखेंगे स्टूडेंट्स, अगर वो मिली एम्पियर में भी दे रखा है तो आप उसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। एंड t रिप्रेजेंट कर रहा है द टाइम, द टाइम फॉर विच द करंट हैज बीन पास थ्रू द सर्किट, और ये टाइम सेकेंड्स में लिया जाएगा। सो एम इज इक्वल टू ZIT, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे ने यह बताया कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, और जो भी सब्सटेंस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है या कैथोड पर प्रोड्यूस्ड होता है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना चार्ज पास करा है या कितना ज्यादा करंट कितनी ज्यादा देर के लिए पास करा है। सो दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फैराडेज सेकेंड लॉ। अगर आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गई तो अब हम सेकेंड लॉ पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। फैराडेज की सेकेंड लॉ समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। सपोज कीजिए दीज आर टू एडजेसेंटली प्लेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। इस लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सपोज कीजिए जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है,
और इस राइट साइड वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंसिडर करते हैं कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, तो अगर इसमें जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसके कैथोड पे जिंक डिपॉजिट होगा, और इसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसकी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमने इन दोनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आप सभी लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स, व्हेन वी कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज तो इट इंप्लाइज कि सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों में से सेम टाइम के लिए पास होगा। जितनी भी देर के लिए आप इस कॉम्बिनेशन को ऑपरेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों में से पास होगा। अब नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस फैराडे ने हमें सेकेंड लॉ दी। फैराडेज सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द मासेस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट कैथोड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। यानी कि मैंने आपको बताया इसकी कैथोड पे सर्टेन वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा, लेट दैट बी WZN। सिमिलरली इसकी कैथोड पे सर्टेन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, लेट दैट बी WCU। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेट पे जितना मास ऑफ जिंक डिपॉजिट हुआ अपॉन इस प्लेट पे जितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ, इन मास डिपॉजिटेड का रेशियो जो होगा वो इनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के बराबर होगा। सो एक बार सेकेंड लॉ फिर से सुनिए। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द मासेस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड या डिपॉजिटेड एट कैथोड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। दिस इज द सेकेंड लॉ। लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि यह सेकेंड लॉ आई कैसे, किस तरह से यह फॉर्मूला फ्रेम करा गया। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ। स्टूडेंट्स देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि अगर हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो जितना करंट इसमें से पास हो रहा है उतना ही करंट इसमें से भी पास हो रहा है, आई दोनों के लिए सेम है और टी भी दोनों के लिए सेम होगा। तो सबसे पहले इस वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। कैन वी से कि द वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट, ये याद रखिए स्टूडेंट्स, वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट को WZN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मास M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आइदर वे बोथ आर द करेक्ट टर्म्स। आपको कुछ बुक्स में यहां पे W मिलेगा और कुछ बुक्स में यहां पे कैपिटल M मिलेगा, वो एक ही बात है। तो देखिए क्या हम कह सकते हैं, इस प्लेट पे जितना भी वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा दैट इज इक्वल टू ZIT, और इसके Z को अगर हम ओपन करें तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इनटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 कूलम्स। ठीक है, अब इसी तरह से इसके प्लेट पे जितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा उस पे अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZIT, वेयर अगेन Z को हम लिख सकते हैं इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। अब इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन का रेशियो निकालें तो लेफ्ट साइड हो जाएगी वेट ऑफ जिंक अपॉन वेट ऑफ कॉपर, और राइट साइड देखिए ध्यान से, क्योंकि दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो दोनों में से सेम करंट सेम टाइम के लिए पास हो रहा है, तो आई और टी सेम होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, 96500 से 96500 कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हेन वी सॉल्व इट तो हमारे पास यही रिलेशनशिप आ जाएगी, वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड का रेशियो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड लॉ है ये तभी एप्लीकेबल होगी जब दोनों सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होने पर ही उनमें से सेम करंट पास होगा। सो एक बार सेकंड लॉ फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, एज पर द सेकंड लॉ व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द मासेस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट कैथोड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। सो दीज वर द टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये दोनों लॉज अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब फाइनली इन लॉज पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर देखते हैं किस तरह से एक न्यूमेरिकल अप्रोच करा जाएगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड। सो लेट अस कंसिडर दिस न्यूमेरिकल ओवर द बोर्ड। Three electrolytic cells containing ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 are connected in series. When a current of 1.5 ampere was passed through them, then 1.45 gram of silver was deposited over the cathode of cell B. How long did the current flow and what masses of zinc and copper are deposited at their respective cathodes?
सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन हमें एक इस तरह का कंसेप्ट दे रखा है कि तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करा गया है. लेट मी गिव यू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास तीन एडजेसेंटली प्लेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं. इस एक्सट्रीम लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने ए से रिप्रेजेंट करा है और इसके अंदर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है, यानी कि इसकी कैथोड पे जिंक डिपॉजिट होगा. ये जो बीच वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दिस इज सेल बी और इसके अंदर AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है. एंड ये एक्सट्रीम राइट वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिस इज सेल सी, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है. तो इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे इसकी कैथोड पे जिंक डिपॉजिट होगा, इसकी कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा और इसकी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा. और हमें ये दे रखा है कि हमने इन तीनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. सो लेट अस कनेक्ट दिस सेल्स इन सीरीज लाइक दिस. अब जब हमने इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर रखा है तो हम इनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे और वो करंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है, आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर. एंड अब क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझिए स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब इस तरह से इन तीन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करके हमने कुछ देर के लिए, हमें टाइम नहीं बता रखा बट हमने कुछ देर के लिए जब 1.5 एम्पीयर का करंट इस सर्किट में से पास करा तो इस सेंट्रल सेल के कैथोड पे 1.45 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो गया. दिस इज द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो गया एट द कैथोड ऑफ सेल बी. तो हमें यह पता लगाना है कि एक तो हमने कितनी देर के लिए करंट पास करा, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, और दूसरा हमें यह भी पता लगाना है कि उतनी ही देर में इस प्लेट पे कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा और इस प्लेट पे कितना मास ऑफ जिंक डिपॉजिट हुआ होगा. सो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके एनसीईआरटी की ही बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बोर्ड्स में भी कई बार आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. देखिए सबसे पहले क्योंकि हमें सिल्वर का मास डिपॉजिटेड दे रखा है 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर, तो हम सिल्वर के ऊपर फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे. दिस इज स्टेप वन. मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू जेड आई टी. तो सिल्वर के ऊपर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स. उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिंक, सिल्वर एंड कॉपर के एटॉमिक मासेस क्या होते हैं. याद रखिएगा जिंक इज 65.3, सिल्वर इज 108 एंड कॉपर इज 63.5. एंड बिसाइड्स दैट आपको इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए. जिंक की वैलेंसी होती है 2, सिल्वर की वैलेंसी होती है 1 और कॉपर की वैलेंसी होती है 2 अगेन. तो जिंक और कॉपर की वैलेंसी 2 है, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 होती है और सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है. तो देखिए M इज इक्वल टू जेड आई टी में मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड हमें दे रखा है 1.45 ग्राम. Z फॉर सिल्वर, Z का मतलब मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500. अब सिल्वर का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 108 अपॉन 1 एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. तो सिल्वर का इक्विवेलेंट मास तो हो गया 108 अपॉन 96500 इंटू आई. करंट की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1.5 एम्पेयर्स इंटू टी. सो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं बिसाइड्स टी, तो हम टी निकाल सकते हैं. टी इज इक्वल टू 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.5 एंड व्हेन वी सॉल्व इट इट विल कम आउट टू बी 863.7 सेकेंड्स. सो फॉर दिस मच टाइम हमने करंट पास करा. 863.7 सेकेंड्स के लिए जब 1.5 एम्पीयर ऑफ करंट पास करा गया होगा तब जाके इस पे 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा. सो आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू. अब स्टूडेंट्स हमें सेकेंड पार्ट में ये भी कैलकुलेट करना है कि इस प्लेट पे कितना मास ऑफ जिंक डिपॉजिट हुआ है और इस प्लेट पे कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है. अब ये जो सेकेंड पार्ट है ना, वेट ऑफ जिंक और वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये आप दोनों लॉज से निकाल सकते हो. आपको क्योंकि अब आप टाइम भी पता चल चुका है तो M is equal to ZIT आप कॉपर पे अप्लाई करके मास डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं. सिमिलरली M is equal to ZIT से मास ऑफ जिंक भी निकाल सकते हैं. बट प्रेफरेबल ये है कि अगर हम सेकेंड लॉ यूज करें तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. देखिए स्टूडेंट्स एज पर द सेकेंड लॉ, क्योंकि सेल सीरीज में कनेक्ट है तो सबसे पहले हम जिंक और सिल्वर का एक रेशियो लेते हैं.
एज पर द सेकेंड लॉ क्या हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब देखिए वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड तो हमें निकालना है, बट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 1.45 ग्राम्स। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, मैंने अभी आपको बताया कि जिंक का जो मोलर मास होता है वो होता है 65.3 डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी 2, तो 65.3 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 108। सो अगेन हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। इस फॉर्मूले को अगर आप W ऑफ Zn के लिए सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपका आंसर आएगा W ऑफ Zn इज इक्वल टू 0.438 ग्राम। सो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको प्री नोन आंसर बता रहा हूं कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0.438 ग्राम आंसर आता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमें कॉपर का मास निकालना है तो हम सिल्वर और कॉपर का एक रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि ये सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप देखिए वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। अगर हम इसी तरह से सेकेंड लॉ कॉपर का मास निकालने के लिए फॉलो करें, सो इन द थर्ड पार्ट वी कैन से कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। नाउ वेट ऑफ कॉपर तो हमें निकालना है, लेट दैट बी डब्ल्यू सी यू। वेट ऑफ सिल्वर हमें 1.45 ग्राम दे रखा है। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हो जाएगा आपके बार कॉपर का मोलर मास अपॉन उसकी वैलेंसी। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2। याद रखिए स्टूडेंट्स, जिंक और कॉपर के मोलर मासेस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यह है 65.3 और यह 63.5, सो दोनों नियरली सेम है। यह 65.3 है, यह 63.5, और मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 1। नाउ अगेन एवरीथिंग इज नोन, तो वी कैन सॉल्व इट फॉर डब्ल्यू सी यू, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड आ जाएगा 0.426 ग्राम्स। सो इन दिस वे हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज की क्लास में मैंने आपको यह बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो लॉज वो क्या थी, फैराडे ने किस तरह से हमें ये इलेक्ट्रोलिसिस की लॉज फॉर्मुलेट करके बताई, और इन लॉज पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हमने इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल अगेन प्रोसीड विद सम न्यू टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।